दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर हमारे घोषित दुश्मन पाकिस्तान से आई है, जहां अभी हाल ही में 57 देशों के संगठन से बने OIC की मीटिंग की गई। भले ही यह मीटिंग पाकिस्तान में हुई हो, लेकिन इस मीटिंग में भारत की कूटनीति की छाप देखने को मिली है, या यूं कहें कि OIC की बैठक को पूरी तरीके से भारत ने मानो हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर फिर से फड़फड़ाता रहा, लेकिन इस बार पाकिस्तान की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इस बार पाकिस्तान ने इस बैठक में चाइना को भी शामिल किया था, लेकिन तुर्की ने चाइना को लेकर ऐसी बात कह दी कि चाइना ने पाकिस्तान को ही खरी खोटी सुनाने लगा। वहीं दूसरी खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। दरअसल एक हफ्ते के भीतर दो बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं और साथ ही भारतीय सेना भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाली है, जो मिलकर चाइना पर शिकंजे कसने की तैयारी करने वाले हैं। उधर अभी दो दिन पहले ही जापान ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी, तो अब ऑस्ट्रेलिया भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इतना ही नहीं, इसके अलावा क्वाड संगठन के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जबरदस्त तारीफ की है। अमेरिका भले ही क्वाड संगठन को लीड करता हो, लेकिन इस वक्त क्वाड संगठन में भारत की ही सबसे ज्यादा सुनी जा रही है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले OIC की बैठक में कैसे पाकिस्तान ने फिर से एक बार अपनी बेइज्जती कराई है, ये आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया है, तब से 57 देशों से बने संगठन OIC की तरफ से कोई ना कोई बयान तो जरूर समय समय पर आता रहा है। लेकिन अब इमरान खान, जिनकी गद्दी इस वक्त पाकिस्तान में खतरे में है, अब वह भी मान चुके हैं कि कश्मीर के मसले पर पूरी तरीके से वो फेल हो चुके हैं। उनके बयानबाजी की जमीनी स्तर पर कोई भी असर नहीं दिख रहा। इतना ही नहीं, इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि धीरे धीरे एकजुटता भी खत्म होती जा रही है। अभी जो OIC की बैठक इस बार पाकिस्तान में हो रही थी, इसमें 57 देशों के विदेश मंत्री भाग लेने वाले थे, लेकिन केवल तकरीबन 30 देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने आए थे। इस बैठक के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब इस्लामिक संगठन का ही देश तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पैरों के तले से जैसे जमीन खींच ली हो। चीन के विदेश मंत्री इस बैठक के दौरान मौजूद रहे, तभी तुर्की के लीडर ने कहा चाइना मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। अब चीन में मुसलमानों के लिए ऐसी नौबत आ गई है कि उनको अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है। तुर्की के इस बयान को सुनकर चीनी विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर क्या गुजरी होगी, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इमरान खान अपने बयान में रूस और यूक्रेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि OIC में शामिल सभी देशों को एकजुटता दिखाते हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध में जल्द से जल्द खत्म करने की अपील करनी चाहिए। इस बयान के बाद इमरान खान सोच रहे थे उनके इस बयान के लिए इतनी तालियां बजेगी कि उनकी तालियों के शोर अमेरिका तक पहुंच जाएगा और अमेरिका भी पाकिस्तान के इस कदम की सराहना करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसी भी देश ने पाकिस्तान के इस बयान को सीरियसली नहीं लिया। दोस्तों ये तो थी पहली खबर, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते रिश्ते को लेकर आई है। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया भारत से अपने संबंध लगातार मजबूत करता जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में भारी निवेश की शुरुआत कर दी है। बीते दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बातचीत हुई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अलग अलग सेक्टर में 280 मिलियन $ इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच P-8I यानी कि सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट को लेकर भी एक खबर आई है। इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल समुद्र के नीचे तैनात सबमरीनों को लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है, और अब इसी एयरक्राफ्ट को भारत ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारत अपने एयरक्राफ्ट के रख रखाव, फ्यूलिंग जैसे कार्य करने वाला है। वहीं पर इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया भी समुद्र में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता है, तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया और भारत चीनी घुसपैठियों को रोकने के लिए मिलकर एक साथ काम करने वाले हैं। चीन पहले से ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, वहीं ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर समुद्र में चीन के विस्तार को रोकने के लिए एक साथ आ रहे हैं। वहीं चार देशों से बने क्वाड देशों के संगठन में भी भारत का लगातार दबदबा कायम होता जा रहा है। इस संगठन में भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, लेकिन इस संगठन में सबसे ज्यादा भारत की कई बातों को सुना जा रहा है। दरअसल बीते एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बेरियो फ्रेल ने कहा कि क्वाड के देश रूस और यूक्रेन पर भारत के रुख को मान लिया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए अपने संपर्कों का उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की ओर से क्वाड देशों की एक वर्चुअल बैठक की गई थी, और इस बैठक के जरिए रूस पर दबाव बनाने की तैयारी की जा रही थी। इस बैठक के बाद जो साझा बयान जारी किया जाता है, उसके तहत अमेरिका चाहता था कि रूस की आलोचना की जाए और भारत भी रूस की इस आलोचना का समर्थन करे।
लेकिन भारत इसके उलट जाते हुए अमेरिका को ही क्वाड संगठन के उद्देश्य का पाठ पढ़ा दिया और भारत ने कहा कि क्वाड संगठन का निर्माण रूस के लिए नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा और साथ ही चीन की बढ़ती दादागिरी को खत्म करने के लिए किया गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।